हेलो फ्रेंड्स। तो आज मैं जिसके बारे में बात कर रही हूँ, मतलब जिस पनौती के बारे में बात कर रही हूँ, उनके चैनल का नाम है पायल जोन, यानी पायल पायल नाम होगा। वो अपने वीडियो में ऐसा टॉपिक उठाती हैं जिससे वो फेमस हो। उनको दूसरे की फीलिंग से कोई मतलब नहीं है। सबकी बुराई करना, सबके चैनल में खामियां ढूंढना, सबकी वीडियोस में खामियां ढूंढना, और हद ये हो गई, उन्होंने किसी को नहीं छोड़ा, किसी को भी नहीं छोड़ा है, हद कर दिया। उन्हें यह हक किसने दे दिया? किसने दे दिया उन्हें यह हक कि वो दूसरों की बुराई करे, दूसरों की वीडियो में खामियां निकाले? अपना चैनल ग्रो करने के लिए उन्होंने जब चैनल बनाया था तो स्टडी चैनल के उसमें बनाया था, लेकिन अब वो क्या कर रही हैं, चैनल पे जाके टट्टी कर रही हैं और दूसरों के चैनल्स को टट्टी, दूसरे के गाने को टट्टी, पिसाब, ऐसा उनका थंबनेल होता है। हंसी भी आती है कभी कभी, और फिर ऐसा लगता है कि ऐसे भी लोग हैं जो व्यूज के लिए कुछ भी करते हैं, कुछ भी करते हैं व्यूज के लिए। उन्होंने किस पर नहीं बनाया, उन्होंने बड़े बड़े यूट्यूबर्स को भी नहीं छोड़ा है, खासकर बड़े यूट्यूबर्स को ही नहीं छोड़ा है। और जब मैंने देखा उनके थंबनेल में, एक वीडियो के थंबनेल में है टट्टी शब्द, तो मुझे बड़ी हंसी आई कि ये क्या थंबनेल है, टट्टी, पिसाब, उल्टी, वो भी दूसरों के वीडियोज के लिए इस तरह की बातें इस्तेमाल करना, ये क्या है? पायल जोन को अपना चैनल बंद कर देना चाहिए। अगर उनको और कोई टॉपिक नहीं मिल रहा है तो चैनल बंद कर दे, या जिस चैनल के जिस व्यू से उन्होंने चैनल खोला था, बनाया था चैनल, तो फिर वो वापस आ जाए इस टॉपिक से कि दूसरों की बुराई करना, दूसरों के वीडियोस में खामियां निकालना। और हद तो तब हो गई जब उन्होंने बच्चे को भी नहीं छोड़ा, उन्होंने एक बच्चे को भी नहीं छोड़ा। हद लेडी है वो, और लेडी तो नहीं, गर्ल है वो, लेडी नहीं कहूंगी, नहीं कहूंगी, गर्ल कहूंगी, क्योंकि अगर वो इतने बड़े बड़े यूट्यूबर के वीडियो को टट्टी और फट्टी और ये वो बोल रही है, तो हमारे जैसे छोटे यूट्यूबर का तो पता नहीं क्या क्या बना देंगी। तो इसलिए मुझे डर भी लगता है। मैं उनको ये नहीं, उनके उनको कभी भी लेडीज नहीं बोलूंगी, है वो लड़की, गर्ल है, लेकिन उन्होंने किन किन लोगों का ना ऐसी वीडियो पे गलत फहमी फैलाया है, हेट फैलाया है लोगों के बीच में, मैं बताती हूँ। और हंसी तो तब आती है जब उन्होंने अपने से छोटे उम्र के लड़के सौरव जोशी को भी नहीं छोड़ा। उन्होंने हंसी आती है, मैं क्या कहूँ। वो कहती है कि उन्हें सौरव जोशी ने उन्हें प्रपोज कर दिया है। संभावना सेठ को भी नहीं छोड़ा, मिस आनंद को भी नहीं छोड़ा, एक छोटी सी बच्ची को भी नहीं छोड़ा। उन्हें बंद कर देना चाहिए। मेरा तो यही सलाह है कि वो अपना चैनल बंद कर ले। और अगर आप लोग मेरा ये चैनल देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।